तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। हाँ, मेरा नाम अमित देवरारी है और हम लोग स्टार्ट किए थे हम हेलो एल्केन्स और उसमें पढ़ रहे थे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की लास्ट दो रिएक्शन जो बची है वो रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका मैकेनिज्म, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है और उसका मैकेनिज्म कैसा होता है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट रिएक्शन, सेकेंड लास्ट रिएक्शन। तो जो सेकेंड लास्ट रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन बाय आयोडीन। तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन से किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आयोडीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास मैंने लिया CH3CH2Cl, मैंने कहा या क्लोरीन लेंगे या ब्रोमीन, उसका रिएक्शन हम कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। किसे कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से करवाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं और प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिल जाता है, मुझे KCl मिल जाता है, KCl मिल जाएगा और उसके साथ मुझे मिल जाता है इथाइल आयोडाइड। क्या मिल गया, इथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या, इथाइल क्लोराइड का जब पोटेशियम आयोडाइड से हमने रिएक्शन करवाया, इथाइल क्लोराइड का जब हमने किससे रिएक्शन करवाया, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाया, किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम आयोडाइड से, है ना, आयोडाइड से रिएक्शन करवाया, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। तो जो के और सीएल है वो आपस में मिला के केसीएल पोटेशियम क्लोराइड बना देते हैं और जो हमारे पास यहाँ पर CH3 CH3H2 है आई के साथ मिलके इथाइल आयोडाइड बना देते हैं। क्या बना देता है, इथाइल आयोडाइड बना देता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकल स्ट्रिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिंकल स्ट्रिंग रिएक्शन, क्या बोलते हैं, फिंकल स्ट्रिंग रिएक्शन। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने सब्स्टिट्यूशन किया किसका, क्लोरीन और ब्रोमीन का, किससे, आयोडीन से, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह हम क्या ला सकते हैं, आयोडीन ला सकते हैं। तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड मैंने यहाँ पर लिया, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराए तो इथाइल आयोडाइड बन गया और पोटेशियम क्लोराइड बन गया। इस रिएक्शन का नाम है, जो नेमिंग रिएक्शन है, फिंकल स्ट्रिंग रिएक्शन। क्या रिएक्शन है, फिंकल स्ट्रिंग, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन की ओर चलते हैं हम। तो दूसरी जो रिएक्शन है वो हमारे पास है, जो अगली रिएक्शन है हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन। किससे, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन। हम यहाँ पर हाइड्रोजन किससे लेंगे, LiAlH4 से। हम यहाँ पर कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन का मीनिंग क्या होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, या तो वहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। तो ये सारी कंडीशन किसके लिए अवेलेबल है, इसके लिए अवेलेबल है, रिडक्शन के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्लोरीन की जगह कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसकी वजह से ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। और जो ये रिएजेंट है ये है रिड्यूसिंग रिएजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, रिड्यूसिंग। चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, कोई भी हम क्या ले लेते हैं, एक हेलो एल्केन ले लेते हैं। चलो मैं मिथाइल इथाइल को ले रहा हूँ, CH3CH2Cl मैंने ले लिया। ठीक है, मैंने इसका रिएक्शन कराया LiAlH4 से करवाया। तो यहाँ पर होता क्या है, हमें ये लेने पड़ेंगे, इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, चार मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे ये चार मॉलिक्यूल CH3CH2 के साथ और चार मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ मिलकर क्या बना देंगे, एक मॉलिक्यूल। क्या होगा यहाँ पर, CH3CH2 का मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल्स, एक चार हाइड्रोजन के साथ क्या बना देंगे, CH3CH2 बना देंगे और 4। कैसे हुआ, अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो CH3CH2 है, चार हाइड्रोजन जोड़ो, एक मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, CH3CH2 एक मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर CH3CH2 फिर एक मॉलिक्यूल आ जाएगा, CH3CH2 फिर एक आ जाएगा। तो हमारे पास चार हाइड्रोजन ऐसे इस तरीके से हमारे पास जुड़ते रहेंगे हर मॉलिक्यूल के साथ, क्लियर है, हर मॉलिक्यूल के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ता रहेगा, इसीलिए CH3CH3 हो गया और इसको 4CH3 हो गया हमारे पास। इतनी बात समझ में आई। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास बनेगा AlCl3, ठीक है, और हमारे पास बनेगा LiCl2 बन जाएगा। ठीक है, LiCl बन जाएगा।
AlCl3 हो गया और LiCl हो गया हमारे पास। तो हुआ क्या यहाँ पर, अगर आप देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने हेलो एल्केन का रिएक्शन AlCl4 के साथ कराते हैं तो हमेशा वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, यहाँ पर हाइड्रोजन AlCl4 क्या करता है, अपने से क्या कर देता है, हाइड्रोजन लेके आता है। क्या लेके आता है, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करते हैं, जो एच नेगेटिव होता है, जो वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो इसके साथ। तो AlCl4 में हमें कितने मिलेंगे हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन मिलेंगे। तो चार हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे इथेन। क्या बनाएंगे, इथेन, फोर मॉलिक्यूल ऑफ इथेन बनाएंगे। उसके साथ AlCl3 होगा और LiCl हमारे पास बन जाएगा। AlCl3 से हमारे पास टोटल कितने, चार Cl हो रहे हैं ना, तो तीन Cl तो Al के साथ चलेगा और एक Cl Li के साथ चलेगा। तो LiCl, AlCl3 और इथेन। तो यहाँ पर हम क्या सीखे, हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेंगे एल्केन की जगह, सॉरी हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेंगे किसकी जगह, हैलोजन की जगह, तो जहां पर भी सब्सटीट्यूशन हो रहा, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा, तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। रिडक्शन रिएक्शन होने की वजह से रीजन क्या है इसका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है और यहाँ से क्लोरीन का रिमूवल हो गया, AlCl3 बना देगा और LiCl बना, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है यहाँ पर, LiAlH4। इतनी बात समझ में आई, LiAlH4। और जो LiAlH4 होता है उसकी एक खासियत होती है, ये हाइब्रिड डोनर होता है, हाइब्रिड डोनर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो लास्ट कंक्लूजन निकालते हैं इसका, लास्ट कंक्लूजन हमारा क्या निकला, जब भी हम हेलो एल्केन का रिएक्शन LiAlH4 से कराएंगे तो यहाँ से हमारे पास कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन इसके साथ CH3CH2, चार मॉलिक्यूल CH3CH2 के साथ क्या कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3CH3। इतनी बात समझ में आई। फिर हमारा जो चार मॉलिक्यूल क्या, सॉरी चार क्या बच गए, क्लोरीन बच गए, वो तीन तो Al के साथ जाएंगे और एक जाएगा Li के साथ। इतनी बात समझ में आई। तो LiCl AlCl3 बनाएगा और इथेन बनाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं, इससे पहले भी मैंने रिडक्शन में आपको पढ़ाया था, कभी भी अगर रिडक्शन होता है तो उसमें हमारे पास क्या मिलता है, अगर हेलो एल्केन का हम रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। तो हेलो एल्केन का जो रिडक्शन करके AlCl4 से भी हमें क्या मिल रहा है, एल्केन ही मिल रहा है, इथेन मिल, ठीक है। और इथाइल क्लोराइड से इथेन मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड से मीथेन मिलेगा, प्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपेन मिलेगा। इसी बात समझ में आए। और यहाँ पर एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, एक इसको क्या बोलते हैं, AlCl4 को रिड्यूसिंग एजेंट, या इसको बोलते हैं हाइब्रिड डोनर बोलते हैं इस रिएक्शन के लिए, इसको क्या बोलते हैं, वैसे ये हाइब्रिड डोनर ही होता है, हाइड्रोजन का डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, हाइड्रोजन को डोनेट करता है, बहुत अच्छे हाइड्रोजन देता है। अब किसी को भी ये हाइड्रोजन देगा, क्योंकि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट होने का कारण क्या है इसका, क्योंकि ये अच्छे तरीके से क्या करता है, हाइड्रोजन को देता है। तो हाइड्रोजन को देगा तो प्रोडक्ट में मेरे पास हाइड्रोजन मिलेगा। जब भी हमें किसी जगह प्रोडक्शन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का एडिशन दिखता है तो उसको क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा कौन सा पार्ट था, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन। अब हम यहां पर बात करेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है दो टाइप की, इसको बोला जाता है SN1 और SN2, ठीक है, SN1 और SN2। ये हमारे पास अगला टॉपिक है हमारा, SN1 और SN2। इसमें हम दोनों का क्या पढ़ेंगे, SN1 SN2 रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे मैकेनिज्म, क्या पढ़ेंगे हम, मैकेनिज्म, मतलब जो भी रिएक्शन अभी तक हमने पढ़ी वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो वो दो मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, या तो SN1 को करेगी या SN2 को करेगी। और हम इसके लिए अभी अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, SN1 का मीनिंग क्या हो गया, SN2 का मीनिंग क्या हो गया, फिर इसका मीनिंग होगा तो इसका नेमिंग रिएक्शन कितना होगा, इसमें कितने स्टेप में होता है ये, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें बनती है बीच में, तो वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, इस वीडियो में। तो अलग अलग पढ़ेंगे, SN1 को अलग पढ़ेंगे, SN2 को अलग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।